अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अजमी और इस नए हफ्ते की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अब बारी है जेमिनाइज की। जेमिनाइज द जीनियस पीपल एंड माय फेवरेट। इस वक्त जेमिनाइज गहरी सोच, अकल, फहम, इदराक, नॉलेज, कॉन्सेंट्रेशन, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। नेचुरल फ्यूलिंग भी बड़ी पॉजिटिव है। सबसे ज़्यादा फ़ायदे तालब इलम ज़माने के लोग उठा रहे हैं, तालब इलमी वाले इस वक्त, क्योंकि तालब इलम जीनियस भी हैं, मरकरी लगा हुआ भी है, यूरेनस भी सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर भी सपोर्ट कर रहा है, अच्छी खासी दशा उनकी मुस्बत हुई हुई है। इस दशा के पॉजिटिव होने में तीन बड़े सितारों ने अहम रोल अदा किया है। इन तीन बड़े सितारों में जो अकली काम करने वाले जेमिनाइज हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट एक्टिविटीज़ में हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जहन का काम करने में वकालत के शोबे से रिलेटेड है, तो ये सब अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। लेकिन इनकी अच्छी फॉर्म में कुछ कबाहतें ज़रूर आएंगी इनकी दोहरी सोच की वजह से। चीज़ों की इब्तदाई मुश्किल से घबरा कर हो सकता है काम छोड़ने को दिल करे, तो ऐसा हरगिज़ मत करिएगा जेमिनाइज। या तो उसको अपनी विल से ही रिकवर करने की कोशिश करें, अपने इरादों को ताकतवर करें। अगर इरादे ताकतवर हो जाते हैं तो किसी तरह की रेमेडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको लगता है कि मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद मैं मामलात को सुलझा नहीं पा रहा, उकताहट महसूस कर रहा हूँ, चीज़ों को रद्द करे जा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो फिर वो अपनी थोड़ी सी ट्रीटमेंट की तरफ जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए स्पिरिचुअल जो ट्रीटमेंट है वो सूरह इखलास की सूरत में है। सूरह इखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं और एहतमाम के साथ भी। और साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो है वो है एमरल्ड स्टोन, एमरल्ड ऑफ 8 कैरेट्स इन राइट हैंड रिंग फिंगर। इफ़ यू फील के यू आर नॉट अ गुड कैप्टन, इफ़ यू फील के आप फैसला सही नहीं कर पा रहे, आपके अंदर गम बढ़ता जा रहा है, बुजदिली में इजाफा होता जा रहा है, तो फिर आपको एमरल्ड पहन लेना चाहिए। उसकी कॉस्मिक एनर्जी आपको बूस्ट करेगी और ये जो इस हफ्ते की ट्रबल्स हैं इन्हें रिपेयर कर देगी। और इस हफ्ते की ट्रबल्स में थोड़ा सा इजाफा अगले हफ्ते लूनर एक्लिप्स के बाद ज़रूर होगा। 27 तारीख को आएगा, उसके जब हम लोग 28 या 29 तारीख को अगले हफ्ते के लिए पेशंगोइयां फोरकास्ट प्रिडिक्शंस दे रहे होंगे, उस वक़्त ये वाले इश्यूज़ आपके सामने आ रहे होंगे कि लूनर एक्लिप्स में क्या क्या मून साइन की वजह से आपके अंदर उदासी आई है, रिलेशनशिप में कितना आपने सहना पड़ा है, ये सब उस वक़्त आएगा। तो ये सभी सितारों के लिए है, उस वक़्त थोड़ा सा मोहतात रहिए। रेमेडीज़ भी उस वक़्त मैं ज़रूर दूंगा और उस वक़्त जो सिचुएशन है कितनी सीवियर है वो भी मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, पिछले काफ़ी अरसे से आप मुझे एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की सूरत में देख रहे हैं। मेरी हमेशा ही कोशिश रही है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। उस सिलसिले के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मैं अपलोड करता हूँ ये आप तक पहुँचती रहे। बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली आप तक पहुँच सके।